कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज प्रियंका गांधी के साथ पदयात्रा में लगातार शामिल रहे। जितिन जी, आज काफी भीड़ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की दिखाई पड़ी, मैसेज क्या देने की कोशिश की गई? नहीं, मैसेज साफ है, आज तो गांधी जयंती है, गांधी जी के प्रति उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से लेती आई है, मगर आज जो नए नए देखे गए गांधी भक्त बन रहे हैं जो लोग, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकारें ताकत से नहीं, अहिंसा और सत्य पे और न्याय पे चलती है। अमित शाह ने ये कहा एनआरसी के मुद्दे पर कि देश में हिंदू शरणार्थी तो रहेंगे लेकिन घुसपैठिए जो है वो नहीं रह पाएंगे, कैसे देखती है कांग्रेस इसे? ये राष्ट्रहित का मुद्दा है और राष्ट्रहित में जो कुछ भी हो उसमें कांग्रेस साथ है, मगर राष्ट्रहित के मुद्दे धार्मिक नहीं किए जाते। अच्छा, एक सवाल और पूछ रहा हूँ, आज विशेष सत्र योगी सरकार आयोजित कर रही है, कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया है, वजह क्या है? वजह साफ है कि सिर्फ इवेंट से गांधी जी के मूल्यों पे चलने के दिखावा नहीं हो सकता है, उनके जो बताए हुए रास्ते पे वो दिखाना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, शाहजहानपुर से लेकर उन्नाव तक, क्या यही दिन देखना था ये सरकार जो कर रही है? बिल्कुल, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ताकत का गलत इस्तेमाल सरकारों को नहीं करना होगा। कल हमारी यात्रा थी शांतिपूर्ण पद यात्रा शाहजहांपुर की, रोक दी गई, कुचल दी गई, किस बात के लिए? प्रियंका जी दिल्ली निकल गई, ये मुझे मालूम नहीं है उनका क्या कार्यक्रम है, और जो भी होगा आपको सूचित किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद है, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आज की जो यात्रा रही है उसमें प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और दूसरा अहम जो सवाल है वो यही है कि कांग्रेस की तरफ से आज की जो पदयात्रा थी उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश देखी गई है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।